وهو أي الولي <سؤال> شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي والأصل <سؤال> أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا इससे पहले वलायत की दो किस्में बताई थी कि वलायत की दो किस्में हैं एक वलायत नुदुब और एक वलायत इजबार वलायत नुदुब को वलायत इस्तेहबाब भी कहते हैं और फिर मैंने बताया था कि वलायत इजबार की दो किस्में हैं एक तो खुद वलायत इजबार और एक वलायत इल्ज़ाम वलायत नदुब ऊपर बताया था कि वलायत नदुब मुकलफा पर हासिल होती है यानी आकिला बालिगा उसको शरीयत ने बदात खुद निकाह का इख्तियार दिया है वो अपना निकाह अगर खुद करना चाहे तो बदात खुद अपना निकाह कर सकती है लेकिन बेहतर ये है कि वो अपना निकाह अपने वली से कराए बजाते खुद निकाह ना करे तो ये वलायत इस्तेहबाब है वलायत नुदुब है और सगीरा है या मजनूना है तो वो अपना निकाह या इसी तरह सगीर है वो अपना निकाह बजाते खुद नहीं कर सकते बल्कि उनका निकाह उनके अलिया करेंगे तो ही नाफिज होगा अगर बदाते खुद निकाह करेंगे तो नाफिज़ नहीं होगा हासिल ये अभी ये समझना है कि मुकलफा आकिला बालिगा लड़की है तो उसको अपने निकाह का बदाते खुद इख्तियार है उसके ऊपर अलिया को जो वलायत हासिल है वो वलायत नलायत इस्तेबाब है वलायत इसके बाद फिर मसला ये बयान करते हैं कि वली शर्त है सगीर मजनून और गुलाम के निकाह के लिए सगीर के ऊपर अलिया को वलायत इजबार या वलायत इल्जाम है मजनून के ऊपर और आका को गुलाम के ऊपर ला मुकल्लफतिन अगर कोई मुकल्लफ़ा है यानी आकिला बालिगा है तो फिर उसके ऊपर औलिया को वलायत इजबार नहीं है और वली का होना उसके निकाह के लिए शर्त नहीं है वो अपना निकाह बदाते खुद कर सकती है आकिला बालिगा दोनों जुमले बोलें दोनों लफ्ज बोलें दिया सिर्फ मुकल्लफा का लफ्ज बोल दें मुकल्लफा भी कौन है वही बालेगा बालिगा फनफादा निकाहरतिन मुकलफा चुनान चे आजाद का निकाह जो अकेला बालेगा हो बगैर वली के भी नाफिज हो जाता है वली राजी हो तब भी नाफिज हो जाएगा और वली राजी ना हो तो तब भी नाफिज हो जाएगा इसका हासिल ये निकला बल्फाज दीगर ये कह सकते हैं कि तसरफी फी माली ही तसर फी नफी के हर वो शख्स जो अपने माल में तसर्रुफ़ कर सकता है वो अपनी जान में भी तसरफ कर सकता है आकिल और बालिग है आज़ाद है तो वो अपने माल में तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता है लिहाजा वो अपना निकाह भी बजाते खुद कर सकता है और जो आक़िल नहीं मजनून है या बालिग नहीं सग़ीर सगीरा है या आज़ाद नहीं गुलाम है उसको अपने माल में भी तसरुफ़ का हक हासिल नहीं है लिहाजा वो अपनी जान में भी यानी निकाह भी नहीं कर सकता अपनी ज़ात के सिलसिले में भी कोई तसरुफ़ नहीं कर सकता वो माला और माला तसरफा ली माली ही ल, अ, फला, फला तसरफा फी नफसी ही तो वो अपने ज़ात में भी तसरुफ नहीं कर सकता तो अकीला बालिगा लड़की अपना निकाह बजाते खुद कर सकती है लेकिन وله أهل الولي إذا كان عصبة ولو غير محرم ابن عم في الأصح وخرج ذو الأرحام والأم والقاضي الاعتراض في غير الكفء فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح ما لم يسقط حتى تلد منه لئلا يضيع الولد وينبغي الحاق الحبل الظاهر به ويفتى في غير الكفوء كفء بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان فلا تحل مطلقه ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته اياه فليحفظ बताया कि आकीला बालिगा अपना निकाह बदाते खुद कर सकती है लेकिन उसको निकाह करना कहाँ है दो सूरते हैं उसने जो अपना निकाह किया है वो कुफू में किया है या गैर कुफू में किया है कुफू किस किसको कहते हैं और गैर कुफू किसको कहते हैं तफसी के साथ तो अगला बाब इसी के तालुक से आ रहा है बाकी ये है मामूली से समझने के लिए इतना याद रखें कि लड़की जो निकाह करे वो अपने हम पल्ला आदमी से निकाह करे पेशे के एतबार से और इसी तरह तयन के एतबार से इसी तरह मुआशर, मुआशरे में अपनी अहमियत के एतबार से ऐसी जगह निकाह करे कि जहाँ दोनों फरीक लड़का और लड़की हम पल्ला हों कु को इसलिए शर्त करार देते हैं या बेहतर समझते हैं कि निकाह का असल मकसद है दवाम हमेशगी निकाह हो गया तो हो गया ये टूटे नहीं बार बार इसके अंदर कमी ना पैदा हो और जब मिजाज करीब होंगे तो ये देर तक बाकी रहेगा और मिजाज दूर होंगे तो ये देर तक बाकी नहीं रहता मिजाज करीब कहा से बनते हैं तदयन से पेशे से माली हैसियत से इन चीजों से मिजाज करीब बनते हैं कि इनमें अगर यगंगत है तो मिजाजों में भी यगंगत होगी और इनमें अगर, अगर दूरी है तो मिजाजों में भी बौद्ध हो जाएगा बहरहाल अगर एक अच्छी खासे घराने की लड़की है और किसी गैर मुतदयन शराबी कबाबी अनपढ़ जाहिल किसी ऐसे आदमी से निकाह कर लिया लड़की निकाह कर रही है तो अपने इख्तियार से कर रही है लेकिन निकाह करने की उसकी दो शक्लें हैं या तो वो निकाह कुफू में करेगी या गैर कुफू में करेगी अगर वो कुफू में निकाह करती है तो फबिया किसी को कोई हक एतराज नहीं है लेकिन अगर वो गैर कुफू में निकाह कर लेती है तो फिर फुकाहा के यहां दो रवायतें हैं एक रवायत है कि गैर कुफू में किया हुआ निकाह बिल्कुल लिया नाफिज नहीं होगा और दूसरी रवायत है कि गैर कुफू में किया हुआ निकाह नाफिज तो हो जाएगा लेकिन औलिया को हक एतराज हासिल होगा अगर औलिया चाहें तो उस निकाह को बाकी रखें और अगर चाहें तो उस निकाह को फस करा दें लेकिन फस्क कराने के लिए कदाए काजी शर्त है बदाते खुद फस्क नहीं करा सकते तो दो रवायत है गहरे कुफू में निकाह किया तो एक रवायत यह है कि निकाह नाफिज ही नहीं होगा तो गोया यूं कहें कि लड़की को आकिला बालिगा को अपने निकाह का इख्तियार हासिल है लेकिन कुफू में गैर कुफू में निकाह करने का इख्तियार हासिल नहीं है और दूसरी रवायत यह है कि नहीं लड़की को हर जगह अपने निकाह करने का इख्तियार है लेकिन अगर गैर कुफू में निकाह कर लिया तो निकाह तो नाफिज हो जाएगा औलिया को हक एतराज हासिल होगा वो चाहें तो निकाह को बाकी रखें और वो चाहें तो कादी के यहाँ दरखास्त देकर निकाह को ना फंस करा अब ये दो सूरतें हैं कौन सी सूरत पर फतवा दिया जाए पहले मुतकदमीन के यहाँ फतवा इस शक्ल पर था कि निकाह गहरे कुफू में अगर लड़की करती है तो बिल्कुल दिया नाफिज नहीं होगा इसी को यहाँ पर लिखा है मुख्तार फतवा लिफसादी जमान फतवा इसी कौल पर दिया जा रहा है कि लड़की को आकिला बालिगा को अपने निकाह का इख्तियार है लेकिन कुफो में निकाह का इख्तियार है गैर कुफो में निकाह का इख्तियार नहीं है अगर गैर कुफो में उसने निकाह किया तो वो निकाह नाफिज नहीं होगा वजह क्या है क्यों कि ये फतवा है कि गैर कुफू में निकाह नाफिज नहीं होगा इसकी वजह लिखी ली इस जमान जमाने में फसाद के फैले हुए होने की वजह से इसका हासिल क्या है फसाद फैला है जमाने में कि लड़की को अगर गैर कुफू में निकाह का इख्तियार दे दिया जाएगा तो लड़कियां खानदानी इज्जतों को पामाल करेंगी अब लड़कियां इसका ख्याल नहीं करती पहले शुरू में दौरे अव्वल में तो उस दौरे सानी में दौरे सालिस में यानी कुरून में लड़कियां इतनी नेक सीरत होती थी माँ बाप की तरफ इतनी रागिब और माइल होती थी कि वो अपना निकाह बजाते खुद या तो करती नहीं थी और अगर करें तो फिर ऐसी जगह करेंगी कि जहां माँ बाप राजी हो सकते हो यानी वो कुफू के अंदर निकाह करेंगी गैर कुफू में नहीं करेंगे अब दौर में फसाद पैदा हुआ अगर लड़की को ये पता चल जाए कि निकाह गैर कुफू में भी नाफिज होता है तो लड़कियां गैर कुफू में निकाह करने लगेंगी इसलिए फोकाहा ने उसको नाफिज करार ही नहीं दिया कि लड़कियां ये कदम ही ना उठाएं कि गैर कुफू में निकाह कर लें वरना औलिया को दिक्कतें पेश आएंगी कि लड़की तो निकाह करके चली जाती है लेकिन चली जाने के बाद फिर जब वो गैर कुफू में गई है तो ज्यादा एहतमाल है कि वो निकाह ज्यादा दिन बाकी नहीं रहेगा बाकी नहीं रहेगा या बाकी रहे बाकी रहेगा तो वहां लड़ाइयां रोजाना फसाद रोजाना पैदा होगा तो ऐसी सूरत में भी फिर अहले खाना को वाल्डेन को अलिया को परेशानी होगी और अगर बाकी ना रहा तब भी अलिया को परेशानी होगी इसलिए लड़कियां ताकि इसका इकदाम ही ना करें फुका ने इसको कहा कि ये नाफिद ही नहीं होगा तो अब लड़कियां जब देख रही है कि ये निकाह तो होता ही नहीं ये तो जिंदगी भर के लिए जिना हो जाएगा तो ऐसी सूरत में लड़कियां इसका इकदाम नहीं करेंगी कि गैर कुफू में निकाह कर लें। फतावा दारुल वगैरह की जो इब्तदाई जिले छपी हुई है उनमें भी हजरत मुफ्ती अजीज उहमान अलही के बाद फतवा इसी कौल पर है फसाद जमाना की वजह से लड़कियों का निकाह खैर कुफू में नाफिद ही नहीं होगा और अब हम ये कहते हैं कि फतवा इसके बरखिलाफ दूसरे कौल पर है यानी लड़की का निकाह गैर कुफू में नाफिज हो जाएगा अगर औलिया को हक फस्क और हक एतराज बाकी रहेगा क्यों इसकी क्या वजह है दूसरी रवायत यह है कि गैर कुफू में निकाह नाफिज हो जाता है लेकिन ओलिया को हक एतराज रहता है उसकी वजह भी फसाद जमा ही है लिफसाद जमा वजह क्या है वजह यह है कि अब लड़कियों में फसाद उससे ज्यादा आ गया पहले तो ये था कि उनको बता दिया कि निकाह गैर कुफू में नाफिज नहीं होगा तो वो निकाह नहीं करेंगी और अगर पता है कि नाफिद होगा तो निकाह करेंगी ज्यादा करेंगी लेकिन अब मसला यह है कि लड़कियों ने तय कर लिया कि फुला के साथ रहना है आप ये कहें कि निकाह नाफिद हो गया तो भी रहना है और न कहें आप ये कहें कि निका नाफिज नहीं हुआ तो अब फसाद जमाना इतना है कि उनको फिर भी उनके साथ रहना है आप कि निका नाफिज नहीं हुआ तो अब नाजायज आएगी मुकम्मल ही सब सभी सूरत हाल नाजायज हो जाएगी इसलिए गैर कुफू में किए हुए निकाह को भी नाफि करार दिया जाए ताकि जो कुछ हो रहा है वो नाजायज ना हो और दूसरी बात ये है कि औलिया भी अगर किसी ने ऐसा कर लिया है आ, बालिगा ने तो औलिया को भी उसके ऊपर राजी होकर किसी तरह उसमें निबाह की शक्लें पैदा करनी चाहिए उसकी कोशिश करनी चाहिए उसको फस्क न कराए इसलिए निकाह एक जगह होना ही मुश्किल है लड़कियों के लिए और जब निकाह से अलहदगी हुई तो दूसरी जगह फिर निकाह होना मुतल का ये आज के मुआशरे में मुश्किल तरी है इसलिए फसाद जमाना की वजह से ही निकाह को नाफि करार दिया जाए पहले फसाद दूसरे अंदाज का था अब फसाद एक कदम और आगे बढ़ा है उसको कहते हैं वलू एल वलीबत के उसको यानी वली को हक के एतराज होगा कौन वली वली कौन बनता है वो कल इससे पहले बताया था इराका इदाका निनसी ही वली बनते हैं बेटा बाप दादा चचा चचा के लड़के वलहू गैर महरमिन कभी वो कभी वो महरम होते हैं जैसे बेटा महरम है बाप महरम है दादा महरम है चचा महरम है और कभी वो गैर महरम होता है जैसे चचा के लड़के बलो का अमीन चेहरे चचा का लड़का व खराजा जवुल अरहाम, इसी तरह वली की कैद से जवील अरहाम, मामू खालू वगैरह भी निकल गए माँ भी निकल गई और काजी भी निकल गया ये भी कभी वली बन सकते हैं लेकिन इनको इस तरह का वली करार नहीं दिया गया कि इनको औलिया औलिया में हक एतराज हासिल हो वलहू एलिली इराकान आसबतन वैरा महरबिन का इबिन अमिन फिलासा खानिया व खराजा जबुलरहाम वमू आगे वल काजी वल काजी ये इबारत में लिखा हुआ है काजी अल ऐसा लग रहा है जैसे काजी को भी हक एतराज है नहीं खराजा के तहत है खराजा अरहम वल उम्मु वल काजी ये इबारत गलत लिखी हुई है यानी कातिब की गलती हुई हुई है इस नुस्खे में अल अलराज इनको एतराज का हक हासिल है कि सूरत में फी गल कुफी जब लड़की ने गैर कुफू में निका कर लिया फैफ सुखी सूरत यह होगी कि लड़की ने गैर कुफू में निकाह कर लिया और आपने फतवा दिया इस रवायत पर कि गैर कुफू में किया हुआ निकाह नाफिज हो गया ओलिया को हक एतराज है तो काजी के यहाँ जाकर ओलिया इस निकाह को फस करने की दरख्वास्त देंगे और काजी सबूत इकट्ठे करने के बाद कारी उस निकाह को काजी फंस कर देगा आगे कहते हैं वह तजद निकाह और अगर निकाह को फंस कर दिया फिर लड़की ने जाकर वही निकाह कर लिया या दूसरी जगह किया वहां भी गैर कुफू में कर लिया फिर वही सूरत होगी कि निकाह नाफिज हो गया अलिया को हक एतराज होगा अलिया कजा जाए काजी से निकाह को फस करा लें फस करा लिया फिर दस दिन के बाद फिर जाके वही निकाह कर लिया उसने फिर अलिया को हक एतराज होगा तो ये तदू बि तु दिन जैसे जैसे नया निकाह होता रहेगा ऐसे ऐसे अलिया को असर नौ हक हासिल होता रहेगा मालम मालमय हाँ। अगर लड़की ने निकाह किया और ओलिया उस पर राजी हो गए तो अब उनका हक के एतराज खत्म हो गया और अगर राजी ना हुए तो जब तक राजी नहीं होंगे जब तक हक के एतराज बाकी रहेगा राजी होना कैसे पता चलेगा या तो सराहत से या दलालत से दलालत की एक शक्ल ये है कि लड़की ने निकाह किया और अलिया खामोश है कब तक खामोश है खामोश 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 यहा तक कि उसके यहां बच्चा पैदा हो गया या चार महीने से ज्यादा का हमल हो गया तो ऐसी सूरत में इतने दिन खामोश रहना ये दलालतन उनकी तरफ से रजामंदी है अब उनको हक एतराज खत्म हो जाएगा क्यों इसलिए कि अब भी हक एतराज देते हैं तो फिर एक तो फायदा है कि लड़की को उन्होंने बुरी जगह से बचाने की कोशिश की एक नुकसान है कि बच्चा जो पैदा होगा वो या तो बाप के पास रहेगा या माँ के पास रहेगा एक से महरूम हो जाएगा तो इनको फ, इ, इस नुकसान से बचने के लिए उनका हक फसक का एतराज एत, हक खत्म कर दिया जाएगा वह तजित निकाह ही मालमस्कुत हो यहां तक के वो गैर कुफू जहां निकाह किया वहां बच्चा पैदा हो जाए अल्लाह ये तलीदा पे क्यों इतराज खत्म हो गया ताकि बच्चे के हकूक जर ना हो वयम जाहिर और जो हमल जाहिर हो जाए उसको भी इसी के साथ लाहिक करना मुनासिब है यानी बच्चा पैदा हो जाए या हमल जाहिर हो जाए वो युफ्ताफी जवाजी ही असलन। दूसरी रवायत है और फतवा दिया जाता है कुफु में लिया निकाह के जायज न होने का व्तारुलफतवा और फतवे के लिए यही कौल मुख्तार है लिफसाद ज़मान फसाद जमाना की वजह से अब इस कौल को अगर इख्तियार करें फलासतु मुतल कुफू में जाकर निकाह कर लिया वती हो गई तो ये निका नाफिज हुआ या नहीं हुआ इस रवायत के बोजब वो निका ही नाफिज नहीं हुआ जब निका ही नाफिज नहीं हुआ तो जो कुछ इसमें हुआ वो सब गलत हुआ और ये मुतल का सलासा पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी इसको हलाला नहीं कहा जाएगा लेकिन पहली रवायत के मुताबिक ये मुतल का सलासा पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी तो इस कौल के मुताबिक लातहल मतल मुतल का सलासा हलाल नहीं होगी कौन सी मुतला जिसने निकाह कर लिया हो गैर कुफू में बगैर वली की रजामंदी के वली खुद राजी है तो निकाह नाफिद हो ही जाएगा तमाम रवायतों के मुताबिक बाद बादफ ही या हो जबकि उसको ये पता भी हो कि तू गैर कुफू में निकाह कर रही है फल या फल तो दोनों रवायतें पेशे नजर रहे हैं एक ये गैर कुफू में किया हुआ निकाह बिल्कुल नाफिज नहीं और पहले इसी पर फतवा था लेकिन अब इस पर फतवा है दूसरी रवायत के गैर कुफो में किया हुआ निकाह नाफिज हो जाता है पहली रवायत दूसरी रवायत आदम नफाद की उसको इन्होंने कहा वह फतवा और पहली रवायत उसको आगे कह रहे हैं वह बिना सहिवया पहली रवायत वो ज़ाहिरया है अब फतवा ज़ाहिरया के मुताबिक दिया जाता है न के अलमुख्तार्फतवादी सामान ये इस कौल पर यानी गैर यानि में अदम जवाज़ का फतवा नहीं दिया जाता बल्कि जवाज का फतवा देकर अलिया को हक़ एतराज लिखा जाता है हक एतराज़ का हक दिया जाता है